नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के पास बहुत समय होता है, तो वे अपने इस समय को अपनी एकेडमिक स्किल्स को और बेहतर करने में उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बच्चे किस प्रकार अपनी एकेडमिक स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली स्किल है हैंड राइटिंग। बच्चे अपनी हैंड राइटिंग यानी कि लिखावट को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। बच्चों को रोज़ एक या दो पन्ने इंग्लिश और हिंदी भाषा के लिखने को कहें और बच्चे चाहें तो कर्सिव हैंड राइटिंग सीखने का प्रयास भी कर सकते हैं। आप बच्चों के लिए हैंड राइटिंग की किताब खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन वर्कशीट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे कहें कि वे रोज़ उन वर्कशीट्स को भरें। दूसरी एक्टिविटी है हिंदी रीडिंग। बच्चे अक्सर स्कूल में रीडिंग उतने अच्छे से नहीं सीख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हैं और समय कम। तो बच्चों को कहें कि वे अपनी गर्मी की छुट्टियों में हिंदी की पाठ्यपुस्तक पढ़ें और उन्हें हिंदी की कहानियों की किताब लाकर दें या फिर ऑनलाइन उनके लिए कहानियाँ ढूंढें और उन्हें डाउनलोड करें। और उन्हें ये भी कहें कि हर रोज़ अपनी दिनचर्या को हिंदी में लिखें, जैसे कि डायरी एंट्री लिखते हैं। और बच्चों को हिंदी भाषा में एक्सटेम्पो कराएं, यानी कि उन्हें कोई भी एक टॉपिक दे दें और उनसे कहें कि वे उस पर 2 मिनट या 5 मिनट बोलें। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरी एक्टिविटी है इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग। तो आप बच्चों से कहें कि रोज़ वे इंग्लिश का अखबार पढ़ें। जी हाँ, बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक और स्टोरीज तो वैसे भी पढ़ लेते हैं। आप उन्हें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे वे और अच्छी इंग्लिश भी सीखेंगे और उन्हें करंट अफेयर्स के बारे में भी पता चलेगा। और अगर बच्चे कहें कि उन्हें कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है अखबार में, तो आप उनसे कहें कि वे अपने साथ डिक्शनरी लेकर बैठें और जो भी शब्द उन्हें नहीं समझ में आ रहा है उसे वे डिक्शनरी में चेक करें। और आप बच्चों से ये भी कहें कि वे आपको अंग्रेज़ी में न्यूज़पेपर का सार बताएं और किन्हीं 2 ज़रूरी खबरों को वो लिख कर भी दिखाएं। तो यह थी कुछ एक्टिविटीज़ जिनकी मदद से बच्चे अपनी एकेडमिक स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।